ये मुझे मेरे डैड के दोस्त से मिला जो अच्छी एंटीक चीजों का काम करते हैं। हाँ। क्या है क्या है, मुझे भी देखना है, प्लीज दिखाओ ना। शोर मत करो नोबिता। देखो ये है वो। ये क्या है, ये तो कचरा दिख रहा है। क्या हुआ? तुम कितने अजीब बातें करते हो नोबिता। इसीलिए तो ये नोबिता है। देखो ये एक प्राचीन सिक्का है। तो इसमें क्या खास बात है? ये एक ऐसे देश का सिक्का है जो अब नहीं है, तो अब इस सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा है। अरे तुम्हें सच में किसी भी अच्छी चीज की कोई पहचान ही नहीं है। सुनियो हमेशा कहता रहता है कि मुझे चीजों की कीमत नहीं पता और मुझे उनकी पहचान भी नहीं है। तुम सुन रहे हो ना डोरेमोन? अच्छा तो तुम्हें सच जानना है क्या? तो बताओ इनमें से किसकी सबसे ज्यादा कीमत हो सकती है, बताओ नो बताओ। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। पकड़ो इसे। फ्यूचर में कीमत बताने वाले अनोखे चश्मे। अगर मैं इसे पहन लेता हूँ तो मुझे ही रही है। ये क्या है? अरे ये तो नीचे आ गई। इसका मतलब ये कीमती नहीं है। अब चलो खोलो इसे। सही कहा तुमने, ये वाली कीमती है। वाओ! इसमें से देखने के बाद ये बताएगा कि इस चीज की फ्यूचर में कितनी कीमत हो सकती है। इसलिए तुम्हें सब पता चला। कोई शक नहीं है, ये कीमती नहीं है। इस रोबोट की कोई कीमत नहीं। मैं नहीं ये बोल रहा है, ये बहुत अच्छा चश्मा है। अरे हाँ एक आइडिया आया, अब मुझे पता लग गया मैं कीमती नहीं हूँ। किसी की भी कीमत जानना। हाँ हाँ कीमत जानने वाली जगह यहीं पर है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से बताऊंगा कि फ्यूचर में इसकी कितनी कीमत है। अरे नहीं, ये कीमत बताने वाला तो नोबिता है। तुम्हें यकीन है ना? लाओ बताओ मुझे। पहले मैंने इसे 100 में खरीदा था। ये तो एक हीरो डॉल लगती है, देखने दो मुझे। ये लोगों में बहुत मशहूर होगी। 5,000 रुपए। अरे वाह, देखा मैंने कहा था ना। अरे वाह, अब तुम इसे संभाल कर रखना। तो अब मेरी बारी है। ये वाला खिलौना भी हीरो डॉल ही है, चलो देखते हैं। पिंकिरी पिंकिरी किरी किरी किरी। ये साधारण डॉल है, 50 रुपए। लेकिन क्यों, ये पहले वाले की तरह नहीं है? क्योंकि इसके पैर के नीचे लोगो नहीं है। तुमने सही कहा, मेरे हीरो डॉल पर लोगो है। अरे नहीं, सिर्फ उसकी वजह से। तो अब कौन आ रहा है? ये फ्यूचर के सिंगर का बहुत पसंदीदा माइक है। बताओ ये बहुत कीमती माइक होगा, है ना? ये कीमती नहीं होगा। क्या कहा? ठीक है मैं देख कर बताता हूँ। हाँ जल्दी बताओ ना। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेकार है और किसी काम का नहीं। क्या कह रहे हो तुम? नौ बेटा। जियान प्लीज शांत हो जाओ। पिंकिरी पिंकिरी पिंक पिंक पिंक। अरे ये क्या हो रहा है? ये शिजुका के पास रखी हुई चीज के लिए बज रहा था। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? इसमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीजें हैं और इसकी कीमत 2 लाख होगी। क्या इसकी कीमत इतनी ज्यादा है? लेकिन इसकी कीमत मेरे माइक की कीमत से ज्यादा कैसे हो सकती है?
ये वॉलेट तो मुझे फॉरेनर ने दिया था क्योंकि वो रास्ता भटक गया था और मैंने उसकी मदद की थी। ये शायद एक मूवी कलाकार, वो अभी मशहूर नहीं है लेकिन वो 3 साल बाद एक अकेडमी अवार्ड जीतकर बहुत मशहूर हो जाएगा, इसलिए ये बहुत कीमती चीज है। तो इसका मतलब वो आगे चलकर मशहूर कलाकार बनेगा। तुम इसे ध्यान से रखना। तुम्हारा शुक्रिया नोबिता, तुम बहुत अच्छे हो। अरे नहीं। सुनिए, क्या आप इसे देख सकते हैं? देखने दो मुझे। पिंकिरी पिंकिरी किरी किरी किरी, ये कुछ खास नहीं है, ये बिल्कुल कीमती नहीं है। क्या सच में? माफ करना। ये, ये लो 10 रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी अजीब लड़की थी। शिज़ुका ने आज मेरी बहुत तारीफ की। आखिर आज मुझे अपनी कीमत पता लग ही गई। कीमत बताने वाले भैया। तुम तो वही लड़की हो ना? क्या आप मेरे साथ चलोगे प्लीज उस तरफ? जल्दी चलो। भैया। हाँ, यहाँ तो चलने की भी जगह नहीं है। भैया सुनो। क्या है, शोर क्यों कर रही हो? आप फिर से सो रहे हो? देखिए, ये वही कीमत बताने वाले भैया हैं। उसे कल बुलाना। मैं चाहती हूँ आप यहाँ रखी हुई सारी चीजों की कीमत बताओ। इसे देख कर तो सब कुछ बेकार लग रहा है। चलो फिर भी देख लेता हूँ। पिंकिरी पिंकिरी किरी 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 किरी, यहाँ की किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है, सब कुछ बेकार है। सच में अच्छा हुआ। क्या क्या अच्छा हुआ? हाँ, अब मैं ये सब कुछ फेंक सकती हूँ। अरे मजाक मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। इसे अचानक क्या हो गया? लेकिन ये तो सिर्फ एक ड्राइंग है। शायद ये खराब हो गया है। मैंने इस ड्राइंग को बनाया है। क्या आप एक कॉमिक राइटर हैं? मैंने अभी तक लिखी नहीं है, लेकिन इस लोमड़ी को मैं अपनी कॉमिक का मेन कैरेक्टर बनाऊंगा और फिर उसे रूकी अवार्ड के लिए भी भेजूंगा। तो ये बात है, आप यही कहते रहते हैं, ऐसा कब तक कहते रहेंगे आप? देखो, मैं बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने की मेहनत कर रहा हूँ। मुझे और बहाने मत दीजिए, आप बस सब चीजों से भागना चाहते हैं। भैया, आप असल में कॉमिक कब लिखना शुरू करेंगे? अब मुझे सिर्फ मेरे भैया की लिखी हुई कॉमिक पढ़नी है। माफ करना, मैं सच में भाग रहा था। तो ठीक है, फिर सब फेंक देते हैं। सच में? सही कहा, अब मैं सच में कॉमिक लिखूंगा। तुम दोनों से तुम्हारा गैजेट खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ। प्लीज तुम दोनों उसकी जगह इसे रख लो। हम वो सब लेकर करते भी क्या? ये बहुत मजेदार है। क्यों? अरे तुम्हें क्या हो गया नोबिता? इस कॉमिक को तो देखो। डोरेमोन, ये वही लोमड़ी है जिसका फोटो हमें मिला था। अब वो वाकई कॉमिक राइटर बन गया है। चलो अब फ्यूचर टीवी से फ्यूचर देखते हैं। ये तो वही लोमड़ी का कैरेक्टर है। आपका स्वागत है। ओ, आपका शुक्रिया। शायद उस दिन उनके चश्मे खराब हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में सबसे ज्यादा कीमत। तुमने उसके स्केच को कहाँ रख दिया ना बेटा?
मुझे नहीं पता। अरे अभी तो तुम्हारा कमरा साफ किया था, तुमने फिर से गंदा कर दिया। क्या आपने एक लोमड़ी की ड्राइंग देखी है? तुम्हारे कमरे का सारा कचरा तो मैंने बाहर फेंक दिया।